मुझे हबा बबा गम बहुत पसंद है। कोई खाना बना रहा है, मुझे नमक और काली मिर्च डालना याद रखना होगा। और तेल के बारे में क्या? यह अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। यह लंच जैसा नहीं लग रहा है। इसके बजाय मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट नूडल्स बनाओ। यह और भी दिलचस्प होता जा रहा है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? आसान, सबसे पहले मुझे नूडल्स के लिए आटा गूंदना है। घर का बना हुआ हमेशा स्टोर से खरीदे गए से बेहतर होता है। ये देखो, इसे अच्छे से गूंदना होगा। यह तैयार हो गया। अब इसे आटे को बेलना होगा और फिर एक्सपर्ट हाथों से इस तरह लंबे नूडल्स बनाने होंगे। हाँ, उसके बाद ही हम इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। मेरा सिर। चलो, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, ये गया गरम पानी में। अब ये यहाँ पकेगा। हिलाना नहीं भूलना है ताकि कुछ भी आपस में चिपके नहीं। कितना बोरिंग दादी, मैं कुछ बहुत ही अनोखा करने जा रहा हूँ। मुझे सबसे साधारण नूडल्स की जरूरत होगी, लेकिन मैं उन्हें पानी में नहीं बल्कि तरबूज के जूस में पकाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि किसी ने पहले ऐसा करने के बारे में सोचा होगा। यह एक कलिनरी एक्सपेरिमेंट होगा। चलो, तरबूज के जूस को इस बर्तन में डाल देता हूँ और अब इसमें नूडल्स डालूंगा। आशा करती हूँ कि इससे मेरी पोती की तबीयत ना खराब हो। दादी, आप कुछ भी नहीं समझती हैं। ये एक बढ़िया डिश है। इसका रंग देखिए, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। नूडल्स को तरबूज के छिलके के अंदर रखना चाहिए। आपको पता है यहाँ क्या सही रहेगा? ऑलिव्स। ये तरबूज के बड़े बीजों की तरह दिखते हैं। ये बहुत सुंदर है। यह पागलपन है। खैर ठीक है, मुझे भी कुछ पकाना है। मैं परेशान नहीं होंगी। मैं सामान्य चाइनीज नूडल्स लूंगी, लेकिन मैं उन्हें सिर्फ मसालों के साथ उबालना नहीं चाहती। असल में मुझे उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं चॉकलेट सिरप और उबलते पानी का इस्तेमाल करूंगी। ये गया चॉकलेट सिरप और अब इसमें जाएगा गर्म पानी। ये चॉकलेट थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ, बहुत स्वादिष्ट है। चलो, पानी उबल गया है, अब इसे डाल देती हूँ। वाव, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और इसकी महक तो बस अद्भुत है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मैं यहाँ और क्या डाल सकती हूँ? सभी का फेवरेट M&M's। तो तुम्हें यह कैसा लगा? हाँ, जाहिर है मैं अकेली हूँ जो चाहती हूँ कि वेंडी भरपेट खाए, और तुम सब कुछ भी अनाप शनाप कर रहे हो। देखो, मैं उबले अंडे और केचप डालूंगी। इस तरह से प्यारा चेहरा बनता है। वेंडी, लंच का समय हो गया है। वाव, सब कुछ अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि सबसे पहले ये अजीब चीज ट्राई करूंगी, तरबूज नूडल्स। दिलचस्प है। ओह, ये क्या? ये बहुत अजीब कॉम्बिनेशन है। और ऑलिव्स, मुझे इससे नफरत है। नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और अब मैं दादी के क्लासिक नूडल्स ट्राई करूंगी। ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। कमाल का, दादी का अपना स्टाइल। और अब जैस के खास चॉकलेट नूडल्स को ट्राई करने का समय है। वाह वाह, यह तो बस एक मास्टरपीस है। मैंने कभी इतने स्वादिष्ट नूडल्स नहीं खाए और यह मीठा भी है। बहुत बढ़िया। वाह, और यह जीत रहा है। बधाई हो। ये, मैं जीत गई। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए आइसक्रीम बनाएं।
क्या आप मुझे आइसक्रीम खिलाएंगे प्लीज? आसान, सबसे पहले मुझे चॉकलेट चाहिए। मैं मिल्का का इस्तेमाल करूंगी। कहीं मैं इसे खुद ही ना खा जाऊं? ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। मैं मिल्का के कुछ स्लाइस एक खास बैग में रखूंगी। मैं इसे वहां पिघलाकर पूरे सांचे में फैला दूंगी और अब ऐसे दबा दबा के इसे पूरे बैग में फैलाना है। सावधानी से। और चॉकलेट के अलावा व्हिप क्रीम भी उसी बैग में जाएगी। ये गया व्हिप क्रीम। हाँ, तैयार स्टिक्स ठंडे में जाएगी, या कहे तो लिक्विड नाइट्रोजन के जार में। वहाँ वे जल्दी से जैसा हमें चाहिए वैसा बन जाएगा। हाँ, तुम बहुत अच्छा कर रही हो बेटा। और मुझे फलों की प्यूरी चाहिए। विशेष रूप से मैं इसे स्ट्रॉबेरी और कीवी से बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए मुझे दोनों को ब्लेंडर में डालना होगा। हाँ, कितना सुंदर दिख रहा है। अरे, यह क्या है? क्या हो रहा है? इस ब्लेंडर को क्या हो गया है? ये क्या हो रहा है? ओ, 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 दादी असल में हिल रही हैं। मदद के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैंने अभी तक नई टेक्नोलॉजी के बारे में ठीक से समझा नहीं है। चलो, अब मुझे इस तरह के कुछ कोन की जरूरत होगी। मैं उनमें तैयार प्यूरे डालूंगी, ऐसे। बहुत बढ़िया। जेस, उन्हें अपने फ्रीजर में रख दो प्लीज। मैंने इसमें स्टिक भी लगा दी है। चलो, इसे रख दो। हाँ दादी, अभी रखती हूँ। ओह दादी, मुझे माफ कर दो। मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया है। ओह, तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। ओह, मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ओह नहीं, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ूंगा। मैं अपने आइसक्रीम के लिए वफल बनाने में व्यस्त हो जाता हूँ। हाँ, देखो मैंने इसे कितना सुंदर बनाया है। अब मैं वफल में आइसक्रीम मिला सकता हूँ। और जब ये मेरे पास पहले से ही है तो इसे क्यों बनाए? और इसके अलावा ये स्वादिष्ट है, बेरी का। इसे रखता हूँ वफल पर और यह स्ट्रॉबेरी वाला भी। वाह, कितना खूबसूरत दिख रहा है। मैं सजावट के लिए कुछ पॉकी स्टिक डालूंगा और कुछ गमी रिबन, ऐसे यहाँ रखता हूँ। अब बारी है गमी बेयर की। और क्यों ना इस पर छोटी छोटी कैंडीज छिड़क दी जाए। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जेस, अब हमारे मास्टरपीस को निकालने का समय आ गया है। हाँ हाँ हाँ, अभी दादी। वाव, देखो ये कितना सुंदर बना है। आपकी आइसक्रीम तरबूज के स्लाइस जैसी लग रही है। बहुत सुंदर। और मेरा कैसा है? इसे भी देखने का समय आ गया है। वाव, बहुत बढ़िया, जैसा मुझे चाहिए था। ताड़ाम, वेंडी, अब तुम इसे चेक कर बताओ। वाव, कितना सुंदर। मैं तरबूज से शुरू करूंगी। क्या ये वाकई तरबूज की आइसक्रीम है? बहुत स्वादिष्ट। नहीं, ये तरबूज नहीं है, ये स्ट्रॉबेरी और कीवी है। बढ़िया। और ये किस तरह की चॉकलेट स्टिक है? चलो इसे चेक कर देखें कि इनका स्वाद कैसा है। वाओ, बहुत अच्छा। बुरा बुरा, बिल्कुल बुरा नहीं है। अब शेफ की इस मास्टरपीस को चखना बचा हुआ है। मुझे लगता है कि मुझे बहुत पसंद आएगा। वाह, यह गमी रिबन।
वाह, और इतने सारे आइसक्रीम वॉफल के साथ, मजा आ गया। ये बहुत अच्छा है, जादुई स्वाद। शेफ, जीत की बधाई हो। हाँ, मुझे तो यकीन था कि मैं ही जीतूंगा। और इस बार मुझे चाहिए कोको, और वो भी मार्शमेलो के साथ। क्या आप इसे बना सकते हैं? तुम सही जगह पर हो। मुझे अभी अभी एक नई मशीन मिली है। मैं इसमें आसानी से किसी भी स्वाद का कोको बना सकता हूँ। मुझे क्लासिक नेस्फिक और स्ट्रॉबेरी मिल्क चाहिए। बस इसे अच्छे से मिक्स करना है और गर्म करना है। हो गया। बस इसे एक सुंदर मग में डालना है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और अब इसमें कुछ मार्शमेलो मिलाना है। मुझे लगता है कि यह वाकई बहुत बढ़िया है। दिलचस्प है, लेकिन मैं इसे और बेहतर कर सकती हूँ। मुझे अपनी पोती को कुछ भी देने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि चॉकलेट भी। इसे सॉस पैन में पिघलाएं और फिर थोड़ा दूध डालेंगे। बस हो गया। और अब इसे अच्छी तरह से हिला देती हूँ। बहुत ही बढ़िया सुगंध। और बस इसे खूबसूरती से परोसना है। मेरे पास एक प्यारा सा जार है जिसमें मैं सब कुछ डाल दूंगी। दादी, इसकी खुशबू तो कमाल की है। जेस, इसके बारे में सोचना भी मत, ये तुम्हारे लिए नहीं है। खैर, मैं इसे बहुत आसान बना दूंगी। मैं बस कॉकटेल मंगवा लूंगी। क्यों परेशान हो रही हूँ? ओह वाह, इतनी जल्दी, धन्यवाद। दादी देखिए, तुम्हें जितना खाना बनाना आता है, यह वास्तव में एकमात्र तरीका है। मैं अपनी चॉकलेट में थोड़ी व्हिप क्रीम मिलाऊंगी और यह स्ट्रॉ डाला। बस यह हो गया। बस इसे चखना बाकी है। बॉन एपिटीट। वाह, मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं शायद बबल टी ट्राई करूंगी। कुछ खास नहीं, लगता नहीं कि इसे प्यार से बनाया गया है, लेकिन यह कोको एकदम सही लग रहा है। बहुत बढ़िया, मार्शमेलो के साथ तो अद्भुत स्वाद। बस मुझे यह पसंद आया। अब दादी का यह जार बचा हुआ है, पता नहीं उन्होंने मेरे लिए क्या बनाया है। वाह, यह कोको नहीं है, यह असली हॉट चॉकलेट है, और वह भी व्हिप क्रीम के साथ। यम्मी। हाँ, यह मेरा फेवरेट है। दादी, जीत के लिए बधाई। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही रोमांचक और स्वादिष्ट किसी भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करें।